जैसे आपने बोला डिशम डिशम करने में मजा तो आया बट एक्शन सीन्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिस्क एंड एज एन एक्टर एक रहता है कि इंजरी ना हो लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस लाइक वॉज देयर लाइक थॉट कि इंजरी ना हो कुछ ऐसे स्कार ना पड़ जाए. देखिए जब ये फिल्म साइन हुई थी तो बड़ा कंट्रोल्ड एज अ यंग एक्टर यू माइट गेट टू एक्साइटेड. अब ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे आप ज्यादा करने लगेंगे कि मैं प्रूफ कर दूं. लेकिन मुझे पता था कि ये फिल्म ऐसी है और मैं नया लड़का हूं जिसके ऊपर ये फिल्म माउंट हो रही है तो मुझे पता था कि प्रोडक्शन में ऐसा ना हो कि मुझे अगर कुछ हो गया इंजरी हो गई तो ऐसा नहीं हो एक हफ्ता रुकना पड़ जाए 10 दिन रुकना पड़ जाए. तो आई मेड श्योर कि जिम या वर्कआउट या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ मैं एक रिहैब कोर्स भी करे जा रहा था जो कि मोबिलिटी ट्रेनिंग होती है जिसमें अपने जॉइंट्स को आप और ज्यादा वर्क करते हैं. इट इज वो वेट्स नहीं होता वो बहुत ही मिनिमल मूवमेंट्स होते हैं एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए. जैसे आपका रोटेटर कफ हो गया आपका जो जॉइंट नी जॉइंट्स हो गया तो इसको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वॉज अ वेरी आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम माई पार्ट दैट भाई इंजरी नहीं हो सकती बिकॉज आई कैन मैं मसल बना सकता हूं मैं बड़ा लग सकता हूं लेकिन फाइटिंग में अगर कुछ ज्यादा हो गया ज्यादा खिंच गया खींचना जो बोलते हैं ना उसको प्रिवेंट करने के लिए मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और उसके वो चीज मैंने बहुत रखी कि नहीं है जोश जोश में होश नहीं खोने. ये एक मेरा एक लौता चांस है एंड आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट आउटपुट टू माई डायरेक्टर टू माई प्रोड्यूसर. एक टीम का मोराल होता है वो हाई रखना बहुत जरूरी है. तो हालांकि इसमें मैंने आई थिंक अराउंड 70-80% खुद ही किए हैं सीक्वेंसेस. 20-30% जो बड़े सीक्वेंसेस हैं जिसमें रिस्क था वो मैं नहीं कर पाऊंगा या मैंने नहीं किया या हम क्योंकि ये वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग. तो यही है मजा तो आता है लेकिन मजे के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के अप्रोच करना बहुत जरूरी है. यू कांट बी एक्साइटेड यू कांट बी अ किड इन अ कैंडी लैंड कहते हैं ना कि एक मेले में बच्चा आ गया मुझे हाँ अरे मजा आ रहा है मारने में ये नहीं ऐसा नहीं होता. सेफ्टी सामने वाले को भी हमारे फाइटर्स की भी सेफ्टी देखना बहुत जरूरी होता है. तो आपके बॉडी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो मूवमेंट मोबिलिटी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन आई मीन एज ऑब्वियसली एज अ फिजिक ऑल्सो यू नीड टू लुक एस्थेटिक बट एट द सेम टाइम इंटरनली ऑल्सो आपको अपने जो मूवमेंट्स हैं रिफ्लेक्सेस हैं वो आपको बहुत स्ट्रांग करने पड़ते हैं. तो मैं जहां मैं जिम भी कर रहा था वहां पर मैं रिफ्लेक्स ट्रेनिंग भी कर रहा था. तो एक वो बॉल आता है जो आप अपना एक टोपी आती है जिसमें एक बॉल लगा होता है छोटा सा उसको आप मार के आप रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करते हैं. तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं. एक वॉल होता है जिसके अंदर अलग अलग लाइट्स जलती हैं कि कितना जल्दी आप दबा सकते हैं. ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया ताकि रिफ्लेक्स सही रहे ताकि अगर पंच भी जाए तो क्लोज भी जाए क्योंकि नकली भी नहीं लगना चाहिए. तो ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक थी तो मैंने की है बहुत कोशिश की एज रियल एज पॉसिबल विदाउट मिनिमम एनी काइंड ऑफ इंजरी.